और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है सिंह साहब से, और सिंह नाम सुन के मेरे जहन में एक गाना आ गया, मधु कौन सा वाला, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, शुक्रिया अदा आ गया मुझे भी टाइम पे। वेल, उनका पूरा नाम नरेंद्र सिंह है। एनीवे, जो वीडियो उन्होंने सजेस्ट की है उसका टाइटल है हाउ टू ऑर्डर डिलीशियस फूड इन ट्रेन एट योर सीट रेल रेस्ट्रो इंडियन रेलवे। वेल, देख लेते हैं आज ये ऑप्शन भी कि कैसे आप चलती ट्रेन में अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो भी अपना फेवरेट डिलीशियस खाना। अच्छा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का शेयर करें, ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें मो इनसाइड हिट के चैनल को, यानी मोहित इनसाइड के चैनल को। और उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हावड़ा ब्रिज है ना, बड़ा ब्रिज पता नहीं, मेबी लग रहा कि वही था। तो फाइनली मैं 12:30 बजे तक जालदा स्टेशन पहुंच गया हूँ। मैं अंदर जाता हूँ, ट्रेन वगैरह लेता हूँ, तभी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। वाओ, कितना डिफरेंट इंजन था। हम सफर वीकली, ओके, हफ्ते में एक बार हम सफर मिलती है। हाँ, फिलहाल तो मैं अपने ट्रेन में बैठ गया हूँ। इसका खुलने का टाइम है 1:10। अब जब ये खुलता है तभी मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत सारे वैरायटी के खाना ऑर्डर कर सकते हो, चाहे वो चाइनीज हो, इटालियन हो, साउथ इंडियन हो या फिर आपका जैन फूड हो, हर कुछ अवेलेबल रहता है उसमें। तो उसी ऐप के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। फिलहाल जब मेरा ट्रेन खुलेगा तभी मैं उसको ऑर्डर करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि जो मेरा मील है वो मेरे को धनबाद स्टेशन के आसपास मिले। फिलहाल आप लोग, मैंने ट्रेन के अंदर कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिया है, उसको एंजॉय करो। जब ट्रेन खुल जाता है अभी मैं इस वीडियो को वापस से कंटिन्यू करता हूं। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मैं अपने लिए क्या ऑर्डर कर रहा हूँ और कैसे ऑर्डर कर रहा हूँ, किस ऐप से ऑर्डर कर रहा हूँ। तो चलो मैं फटाफट पहले उसको ऑर्डर कर लूँ। तो आपको अगर ट्रेन में खाना ऑर्डर करना है तो आपको इस ऐप को रखना पड़ेगा, रेल रेस्ट्रो मोबाइल ऐप। ये आपको प्ले स्टोर में ईजिली मिल जाएगा क्योंकि ये IRCTC से ऑथराइज्ड ऐप है। okay. और ये ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो किसी ट्रेन से तो ये आपको खाना डिलीवर देता है। तो दिखाता हूँ इसमें क्या क्या अवेलेबल है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है इस ऐप का, और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो ऑथराइज्ड IRCTC पार्टनर। तो आप अगर इसमें ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करते हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि ये IRCTC से ऑथराइज्ड पार्टनर ऐप है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इस ऐप से सिर्फ आप खाना ही नहीं, यहाँ पे देखो आप PNR स्टेटस, ट्रेन रनिंग, ट्रेन शेड्यूल, लाइव स्टेशन, तो इन सब चीज़ों को भी आप चेक कर सकते हो। तो बाकी इसमें कुछ ऑफर वगैरह भी चलते रहता है, यहाँ पे आप देख लो। फिलहाल मैं अपना अभी यहाँ पे PNR नंबर डालता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है। तो ये मैंने डाल दिया अपना PNR नंबर। तो यहाँ पे देख लो मेरे ट्रेन का सारा डिटेल आ गया, हम सफ़र एक्सप्रेस, और ये जो ट्रेन है 4:20 के लगभग आसनसोल पहुँचेगी, और अभी ये ट्रेन 15 मिनट लेट भी चल रहा है ये भी बता रहा है। बट मुझे जो खाना ऑर्डर करना है वो धनबाद के आसपास करना है, तो मैं धनबाद को यहाँ पे ओपन करता हूँ और धनबाद पहुँचेगा 5:25 में। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस भी स्टेशन में अपना खाना चाहिए आप कम से कम वो स्टेशन आने के 1 घंटा पहले अपने खाने को ऑर्डर कर लो, क्योंकि प्रिपेयर वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि रेल रेस्टोरेंट जो आपको खाना डिलीवर करवाता है वो एकदम फ्रेशली बनवा कर भेजता है। देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं फूड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आपका जो मिनिमम ऑर्डर है वो 199 मतलब 200 रुपये के आसपास होना चाहिए। बाकी मैं देखता हूँ मेन कोर्स में क्या क्या ऑप्शन है, मतलब ये सारे चाइनीज आइटम है, लाइक वेज हक्का नूडल्स, वेज हांगकॉन्ग नूडल्स, काफ़ी सारे नूडल्स के ऑप्शन है। और उसके नीचे थोड़ा आप आओगे तो आपको साउथ इंडियन डिश भी मिलेगा, लाइक मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, पेपर डोसा, पनीर डोसा, मसूरी डोसा, चीज़ मसाला डोसा, तो काफ़ी सारे साउथ इंडियन खाने के ऑप्शन है। अब मैं देखता हूँ कि इनके स्टार्टर्स में क्या क्या है।
तो अगर मैं स्टार्टर्स की बात करूँ तो स्टार्टर्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पनीर 65, अमेरिकन कॉर्न विथ सॉल्ट, हनी पोटैटो चिल्ली ड्राई, मतलब खाने के इनके पास काफी सारे ऑप्शन है। एंड अगर मैं स्नैक्स की बात करूँ तो स्नैक्स में आपको यहाँ पे वेज पास्ता, वेज चीज पास्ता, दही बड़ा। तो अगर आप इस ऐप से ऑर्डर करते हो तो आपको चाइनीज खाने से लेकर इंडियन खाने से लेकर वेज पास्ता तक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पे सूप का भी देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये देखो सूप के भी बहुत सारे ऑप्शन है। और मैं कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं और उनको ट्रेन में दूध वगैरह का भी ज़रूरत होता है, तो आप ट्रेन में कहाँ से वो लाएँ, तो ये देख लो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक मेन यहाँ पे ब्रेकफास्ट, थाली, ब्रेड, स्टार्टर्स। तो अगर आप बेवरेज में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हॉट मिल्क 45 रुपये में, या अगर आपको जैन फूड चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। तो और मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है। तो मुझे अभी खाने का मन कर रहा है कुछ चाइनीज़ थाली टाइप, तो मैं यहाँ पे थाली वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक चाइनीज थाली जो कि 245 रुपीज़ का, जिसमें आपको मिलेगा वेज हक्का नूडल्स, वेज फ्राइड राइस, पनीर चिल्ली, वेज मंचूरियन एंड सलाद। तो ये हो गया ऐड। अब इसके बाद मुझे कुछ डेजर्ट वगैरह के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे देख लो केक एंड पेस्ट्री का भी ऑप्शन है। तो केक एंड पेस्ट्री के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री का और एक वनीला पेस्ट्री का, तो मैं दोनों ही मंगा लेता हूँ। एंड लास्टली इस चाइनीज थाली में मुझे एक सूप का कमी लगा, तो सूप में मैं इस वेज मंचाउ सूप को मंगवा लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ टोटल व्यू कट करके कि इन सब का टोटल कितना आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे 470 तो दिखा रहा है। प्रोसीड करने के बाद ये देख लो मेरा सब टोटल हो गया 470, GST 23 एंड टोटल हो रहा है 493। तो अब अगर मैं बात करूँ कूपन कोड का, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ऐप में काफी सारे ऑफर चलते रहते हैं, तो यहाँ पे देख लो RRP10 टू गेट 10% ऑफ ऑन प्रीपेड ऑर्डर, मतलब आप अगर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, तो ये मैंने डाल दिया कोड RRP10। अब देखते हैं कितना मुझे ऑफ मिलता है। तो यहाँ पे 10% ऑफ हो गया, मुझे बस पे करना है 446 रुपीस। उसके बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, बाकी तो ये PNR नंबर, कोच, सीट वगैरह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है। तो ये जो यहाँ पे आपको नोट्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये काफी काम का चीज है। अगर आपको खाना मतलब तीखा, कम तीखा चाहिए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आपका मान लो अगर सर वगैरह दर्द दे रहा है या फिर कुछ छोटे मोटे भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आप इनके नोट्स में लिख कर बोल सकते हो कि आपको ये चाहिए। जैसे कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो रोज वगैरह चाहिए, तो आप बता सकते हो नोट्स में। तो खाना ऑर्डर करते समय ही बोल दो कि आपको क्या चाहिए। तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ तो मेरा सर काफ़ी दुखने लगता है। वैसे अभी दुख तो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक बार देखता हूँ कि ये काम सही तरीके से करता है कि नहीं। लाइक मैं इनको बता देता हूँ कि मुझे एक सेरेडॉन टैबलेट चाहिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नोट्स दे दिया है कि मेरा सर दुख रहा है, तो क्या आप लोग मेरे लिए एक सेरेडॉन टैबलेट लेके आ सकते हो। तो ये हो गया, तो अब मैं जल्दी से अपना पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आप देख लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग, पेटीएम, पेयू मनी, कैश ऑन डिलीवरी का भी इनके पास ऑप्शन है। तो मैंने कूपन कोड अप्लाई किया तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं ऑनलाइन ही यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ अपना। तो ये मुझे मैसेज वगैरह भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देख लो ऑर्डर 1467749 प्लेस्ड सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग विथ रेल रेस्टोर। तो देखते हैं रेल रेस्टोर का फूड मुझे कैसा लगता है। तो अब जब धनबाद स्टेशन में मेरा खाना आता है तभी मैं आप लोगों को एक ही बार खाना लेकर ही दिखाता हूँ। तब तक आप लोग बाहर के कुछ नज़ारे इंजॉय करो। तो हम लोग का जो ट्रेन है वो खुला था 1:10 में सियालदा स्टेशन से, और अभी हो रहा है 4:09, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटा लग गया इसको यहाँ पे पहुँचने में। अब इसके बाद जो इसका स्टॉपेज है वो है धनबाद स्टेशन, जहाँ पे मेरा खाना मुझे मिलने वाला है। तो जब वो मिलता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं अब धनबाद पहुंचने वाला हूं, और मुझे कंफर्मेशन कॉल आया था कि जो मेरा मतलब खाना है वो बस पहुंच ही गया स्टेशन में, मतलब मेरे को गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है बाय द वे। तो अभी यहां से और स्टेशन आपका 14-15 किलोमीटर है, और ट्रेन का स्पीड भी ठीक ठाक ही लग रहा है, होप कि टाइम पे पहुंच जाए। तो मैं खाना रिसीव करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो बस मैं धनबाद स्टेशन पहुंच ही गया हूं, देखता हूं कि मेरे सीट पे जो मेरा खाना है मिलता है कि नहीं। थैंक यू सो मच। तो फाइनली मेरा खाना मेरे सीट पे आ चुका है। वेट में दिखाता हूं इन सब के अंदर क्या क्या है। सही है। तो पहले इस बड़े वाले बॉक्स को खोलता हूं जो कि मेरा चाइनीज थाली है। तो ये देखो मेरा चाइनीज थाली, और एक बात बोलूंगा मैं प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी तो अभी तक मुझे काफी कमाल का लग रहा है, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। पीछे करता हूँ, अब दिखाता हूँ इन सब में क्या है।
तो सबसे पहले खाली फॉइल है, मेबी सूप वगैरह पीने के लिए, ये पता नहीं क्या है, खोल के देखना पड़ेगा। और इसके अंदर है मेरा मनचाओ सूप, इसको करता हूँ साइड अभी और दिखाता हूँ इसमें क्या है। अच्छा तो ये देखो, और यहाँ पे पेपर सॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री में दिया गया है, इनको भी पता है कि ट्रेन में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसमें होगा मेरा पेस्ट्री और ये मेरा सर दर्द का दवा जो कि मैंने अपने नोट्स में बोलकर मंगवाया था। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है रेल रेस्टो वालों का कि ये दवा भी प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इसके लिए थैंक यू सो मच, इसका काफी जरूरत पड़ता है मुझे। ओ भाई साहब, इसके अंदर मेरा ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री और एक वेनिला पेस्ट्री, तो इन सबको मैं बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ। ये इस सूप के साथ खाने के लिए, मतलब ट्रेन में इस टाइप का खाना मिला और क्या चाहिए आप बताओ। अब मैं इसको फटाफट टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ। ये पनीर है ना, उनका ये जो चाइनीज थाली है और ये पेस्ट्री है, सूप है, मुझे कैसा लगा। तो जल्दी से मैं इस थाली को टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे ये चाइनीज थाली। बाय द वे, इस नूडल्स को टेस्ट करने के लिए एक भी फॉक नहीं आया, तो इस स्पून से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चिली पनीर के ग्रेवी को टेस्ट करता हूँ मैं। चिली पनीर टैंगी और हल्का सा स्पाइसी भी है, मतलब ट्रेन में इस हिसाब का चिल्ली पनीर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मिलेगा। तो अब देखता हूँ ये मंचूरियन कैसा है। कुछ याद आया? बहुत सही है यार इनका मंचूरियन। अब इस चिल्ली पनीर के ग्रेवी को इस फ्राइड राइस में मिक्स करके टेस्ट करता हूँ, मजा आएगा। वैसे इस चिली पनीर का ग्रेवी इतना अच्छा है कि इस फ्राइड राइस को उतना कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर अब टेस्ट करता हूँ इनके नूडल्स को इस स्पून से। इनके फ्राइड राइस से अच्छा मुझे इनका नूडल्स लगा, मतलब नूडल्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और इस नूडल्स के अंदर जितने भी वेजेस वगैरह डाले गए हैं सारे के सारे फ्रेश है और काफ़ी अच्छा भी टेस्ट आ रहा है इसमें से। सूप काफ़ी सही टेस्ट कर रहा हो भी ट्रेन के हिसाब से। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, अगर आप ट्रेन पे कोई खाना वगैरह ऑर्डर करते हो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि आप इसको 2 या 3 घंटे पहले बुक किए रहते हो, फिर स्टेशन में मतलब कंफर्मेशन जाता है, फिर वो लेके आते हैं। और इन सब के बीच में मेरे को सबसे पहली बात तो इतना गर्मा गर्म खाना मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच रेल रेस्ट्रो इतना गर्मा गर्म खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, और वो भी चाइनीज मील, इसके लिए तो यार डबल थैंक्स आपको। तो सबसे पहले टेस्ट करता हूँ इनके ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री को। बहुत सही है इनका पेस्ट्री, जैसा पेस्ट्री मैं मियो एमोरे में खाता हूँ ना, सेम उसी टाइप का ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला पेस्ट्री लग रहा है। अब देखता हूँ इनका ये वेनिला वाला पेस्ट्री कैसा है। मतलब इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी फ्लैट है, बाकी ये जो ब्लैक फॉरेस्ट वाला जो पेस्ट्री है ये बहुत ही कमाल का है। मम्मी कैसा लगा खाना, तुम लाइव हो बताओ जल्दी। अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। स्टेशन आने वाला है। ओवरऑल अगर मैं खाने की बात करूं तो जो रेल रेस्टो का खाना था मैं बोलूंगा यार काफ़ी कमाल का मुझे वो खाना लगा, इसलिए उनका खाने का पैकेजिंग और खाने का क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद जब मैंने खाना वगैरह खा लिया तो जिस रेस्टोरेंट से मैंने खाना मंगवाया था उनका फ़ोन आया कि आपका खाना कैसा था, टेस्ट कैसा था, आप क्या मतलब फीडबैक देना चाहते हो। तो मैंने उनसे बस एक ही बात कहा कि उसमें पानी का कमी था, आप लोग एक पानी इंक्लूड कर दिया करो नेक्स्ट टाइम, बाकी आप लोगों का खाना एक नंबर था। तो अभी मेरा गया स्टेशन आने वाला है, तो मैं अभी अपने होटल जाता हूँ और होटल वगैरह जाके बाकी का आप लोगों को अपडेट देता हूँ। और अभी मेरा रेल रेस्टो वालों से बात हुआ है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल कूपन है, वीडियो को एंड तक देखना, बाकी मैं रूम में जाके बात करता हूँ। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आप लोगों से ट्रेन में कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ एक अच्छा कूपन ऑफर वगैरह है जो मैं आप लोगों को रूम में जाके बताता हूँ। तो मैं बता दूँ ये ऑफर क्या है। तो जब मैंने खाना ट्राई किया रेल रेस्टो का खाना ट्रेन में और वो खाना मेरे को वाकई काफी अच्छा लगा, तो उसकी कुछ देर बाद मुझे 2 कॉल आया। पहला वो रेस्टोरेंट से जहाँ से मैंने ये खाना ऑर्डर किया था, एंड दूसरा कॉल भी खाने को लेकर ही था कि खाना वगैरह कैसा था, आप लोग के पास पहुंच तो गया था ना वगैरह वगैरह, बस यही सब था। तो उसके बाद मैंने रेल रेस्टो वालों को कॉल किया और मैंने कहा कि आपका खाना वाकई में काफी अच्छा है, मैंने आपके खाने वगैरह को रिव्यू करा है,
इस पे वीडियो बनाया है कि आपके ऐप से खाना कैसे ऑर्डर किया जाए, और वाकई में मुझे भी काफी अच्छा लगा। तो आप लोगों का ऐसा कोई ऑफर वगैरह आने वाला है क्या जो मैं वीडियो में बता पाऊँ अपने ऑडियंस को कि आप लोग ये कूपन कोड यूज करो ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए? फिर उन लोगों ने पूछा कि आप वीडियो बनाते कहाँ हो और डालते कहाँ हो, तो मैं कहा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल का नाम ये है। उसके बाद उन लोगों ने कुछ टाइम लिया अपना, फिर वापस से उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि ओके मोहित, हम लोग आपके ऑडियंस के लिए एक कूपन बना दिया है जो कि है मोहित रेल 30। अगर आपके ऑडियंस इस कूपन को डालते हैं तो उनको 30% का ऑफ मिलेगा अगर वो 299 के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो। मतलब हाउ कूल इज दैट यार। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं ट्रेवल करोगे तो आप लोग रेल रेस्टोर ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और उसके बाद मेरा कूपन यूज करके आप लोग कुछ भी खाना ऑर्डर करो, लाइक 299 से ऊपर का ऑर्डर करना, तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, देखो आप अलग अलग रूट में ट्रेवल करोगे तो अलग अलग खाना भी होगा, तो ये चीज माइंड में रखना। बाकी ट्रेन के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए मेरे को ये सबसे बेस्ट ऐप लगा, जिसमें काफी सारे ऑप्शन है और वैरायटी भी बहुत तरह के हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को ये ऐप कैसा लगा। तो आपके साथ कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है जो लाइक सेरेलेक्स वगैरह खाता है तो आपको गर्म दूध भी मिलता है। मतलब ट्रेन में आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, अगर लंबा जर्नी कर रहे हो तो गर्म दूध आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐप प्रोवाइड करता है। अगर आप जिस रूट पे ट्रेवल कर रहे हो अगर किसी स्टेशन पे अवेलेबल हुआ तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप ही जाओ, मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ ही मेरा कूपन कोड भी दे रखा हुआ है, इस ऐप को डाउनलोड करो। कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो मेरे कूपन कोड को यूज करो और अपना मील इंजॉय करो, वो भी ट्रेन में। तो बस अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो चलो, मैं बहुत थक भी गया हूँ और सोने भी जाना है, मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। समटाइम्स वाकई इस तरह होता है कि जब आप घर से निकलते हैं, वैसे तो हम तो कभी खाना लेकर नहीं निकले, लेकिन जो लेकर निकलते हैं अगर वो भूल जाएं तो उनके लिए वाकई बहुत अच्छी सुविधा है। वेल क्योंकि हम लोगों का ट्रेन जर्नी कभी इतना लंबा होता भी नहीं है ना, हमारा मैक्सिमम 5-6 घंटे को, लेकिन मैं कहती हूँ अगर उसके बीच में भी अगर आपको कोई ऐसी ऑप्शन मिलती है तो कमाल की है। वही मैं कहने लगूंगा कि यार 5-6 घंटे थोड़ा नहीं होता, वो ट्रेन का जो यहाँ पे सड़ा हुआ खाना मिलता है उससे तो बेहतर है कि इस तरह का कोई अगर ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। और सड़ा हुआ और महंगा भी बहुत महंगा। लेकिन मैं अगर बात करूं, जिस तरह ये इन्होंने रेलवे की एप्लीकेशन दिखाई जो कि मंजूर है रेलवे से, तो इसमें सबसे अच्छी मुझे चीज ये लगी कि एक तो आपको खाना जो है बिल्कुल फ्रेश आपको कुक दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है प्राइस बहुत रीजनेबल है, प्राइस रीजनेबल है, और उसके अलावा ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं। और जैसे कि एंड पर मोहित ने बोला भी कि डिफरेंट रूट्स के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मील है वो प्लान किया जाता है, तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए आप अपने मेन्यू में से चूज करने के लिए कि आप क्या खाना चाहते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ट्रेन जर्नी के काफी सारे जो वीडियोस देखे हैं, इवन कि इस चैनल के भी और भी बहुत सारे चैनल्स के, तो उसमें तो जो खाना वो देते हैं वो तो बहुत ज्यादा ऐसे बात करें डिलीशियस वो लगता है, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यूजली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कभी भी वैसे टिकट में तो वो नहीं होता, हाँ जो आप सफर कर रहे हो उसमें वो ऐड नहीं होता, आपको अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा खाने की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, क्वांटिटी भी बस नॉर्मल सी होती है, और सबसे बड़ी बात है जो टेस्ट पता नहीं वो उन्होंने कौन सा कुक हायर किया होता है जिसके हाथ में टेस्ट ही नहीं होता, या पता नहीं वो चाय भी बहुत बुरी होती है, मतलब टेस्टलेस होती है, या पता नहीं वो मैं अगर जो खाना बनाता है वो ये सोच के बनाता सारे बीपी के मरीज है। सही बात है कि फीका खाना होता है, इतना मजे का नहीं था। खैर मुझे तो ओवरऑल ये सुविधा जो है बहुत अच्छी लगी है, और जो है सबसे ज्यादा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो है अब जो है स्टार्टअप्स देखने को बहुत सारे मिलते हैं, अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें ये भी जो है एक स्टार्टअप ही है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो मौजम, क्योंकि इसी तरीके से फिर जो चीजें और आपकी कॉम्पिटिशन में आती हैं और एक कस्टमर को बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं इसी मतलब चक्कर में। बिल्कुल, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जानने के लिए भी पहले रेस्टोरेंट से कॉल आई जहाँ से जो है खाना आया, फिर उसके बाद जो है जो एप्लीकेशन वाले हैं उनकी तरफ से भी कॉल आई कि भाई कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, अगर कोई चीज कमी बेशी रह गई है तो वो बताया जाए, जैसे उन्होंने बताया कि भाई बीच में पानी नहीं था तो पानी जो है वो बीच में होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना छोटी छोटी चीजें जो कस्टमर की तरफ से आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक लेते हैं, ये आपकी छोटी सी कंपनी को बहुत बड़ा बनाने में हेल्प आउट करती हैं। बिल्कुल, और मुझे तो वैसे काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि एक तो खाने पीने से रिलेटेड थी, इस वजह से हम लोग को हमेशा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग भी लगती है, और मुंह में पानी भी काफी
ज्यादा आता है, और मंचूरियन से मौजूद को मंचूरियन याद आ गया था उस टाइम पर. वो मुझे मंचूरियन क्यों याद आया था, क्योंकि ये जो मंचूरियन पकौड़ा है ना, ये पकौड़ा ही था ना ये हमारे मुताबिक, तो ये मुझे बहुत लंबे अरसे से बनाकर खिला रहे हैं, वो कहीं रस्ते में ही बन रहा है. वेल मौजूद तुमने कभी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, वरना तो मैं जल्दी बना रहा. हाँ बाकी तो स्पॉन्सर करते हैं ना आपको. अच्छा तो बिल्कुल करते हैं. हाँ बिल्कुल करते हैं. अगर किसी ने बनवाया नहीं हो तो मुझे स्पॉन्सर किया जाता है, उसके बगैर नहीं मैं बनाती. ओवरऑल काफी मजा आया, काफी अच्छी, और मैं कहूंगी कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी उन सब लोगों के लिए जो ट्रेन का सफर काफी ज्यादा करते हैं या फिर एक लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं. आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस ने ये ऐप यूज की है और खाना ऑर्डर किया, और आपका क्या फीडबैक है इस ऐप को लेकर जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ हमें चाहिए लाइक सब्सक्राइब.